गुड इवनिंग क्लास अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज दिव्यांश पांडे फैकल्टी ऑफ जीके एट एसएसबी क्रैक एग्जाम आज के इस एफ कैट फर्स्ट 2023 की क्लास 11th में आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का वेलकम है लगातार आप सभी क्लास से जुड़ते जाइए जिससे कि हम आज के इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है नेशनल अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स उससे रिलेटेड आपके इवेंट्स को कवर कर सके ओके तो चलिए सभी का वेलकम है और जितने भी हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं क्लास से लगातार जुड़ते चले जाइए कौन कौन क्लास में आ चुका है अदिति अनुभूति धनेन्द्र हिमांगी श्रीवल्ली रश्मिकांत और सभी लगातार क्लास से जुड़ते जाएं चलिए आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट इफ आई एम देन प्लीज कमेंट इट चलो धनेन्द्र भी आ गए वेरी गुड तो कल की क्लास में हमने क्लास टेंथ की क्लास जो इंटरनेशनल फील्ड्स एंड अवार्ड से आपके रिलेटेड थी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड और आपके उससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर किए थे उसी तरीके से आज हमारी नेशनल अवार्ड्स एंड देयर फील्ड से रिलेटेड क्लास है जहां पर भारत के जितने आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और इस बार 2022 में कौन से आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स किन फेमस पर्सनालिटीज को दिए गए हैं उनकी भी लिस्ट लिस्ट हम देखेंगे और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी कवर करेंगे तो मेरे ख्याल से आप सभी रेडी हो और इसी के साथ चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं तो सबसे पहला जो हमारा नेशनल अवार्ड की अगर हम बात करें तो जो नेशनल अवार्ड जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ना कुछ तो आपके नेशनल अवार्ड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कुछ आपकी स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं और कुछ गया सिविलियन अवार्ड्स है पीस एंड लीडरशिप अवार्ड है ये सभी तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी में कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं तो ये है आपका सिविलियन गैलेंट्री नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया लिटरेरी अवार्ड्स और आपके सिनेमा अवार्ड्स, तो ये आपके राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, तो इनको भी आपको जानना चाहिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड से आपका दिया जाता है सिविलियन अवार्ड्स पे आते हैं तो सिविलियन अवार्ड्स के आपके टोटल फोर टाइप्स हैं सबसे पहला दाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भारत इज भारत रत्न ना मान लीजिए आपको आगे चलकर भारत रत्न मिलेगा तो कुछ ऐसा होगा ताम्र पत्र में जो पीपल का पत, जैसे पत्ता होता है उसी में आपका ये भारत रत्न अंकित रहेगा और पीछे उसके जो है आपका हमारा अशोक चिन्ह सत्यमेव जाते आपका लिखा रहेगा तो फर्स्ट हाईएस्ट ये रहता है सेकंड हाईएस्ट में आपका पद्म विभूषण थर्ड में पद्म भूषण फोर्थ में आपका पद्मश्री रहता है तो इसकी हाईआर है जिसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप यहाँ पर देख पा रहे हो भारत रत्न बात कर लें इट इज द मोस्ट अवार्ड इन इंडिया गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस पब्लिक सर्विसेज फॉर एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर लेकिन पहली बार वर्ष 2011 दिसंबर में जो है इसमें आपका ह्यूमन एंडीवर यानी कि स्पोर्ट्स को भी आपका इंक्लूड कर लिया गया था और सचिन तेंदुलकर जो कि

लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न आफ्टर डेथ यानी कि मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री जो जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे उनको यह पुरस्कार आपका दिया गया था इंस्टीट्यूट यानी कि इंट्रोड्यूस कब किया गया इस अवार्ड को सेकेंड जनवरी 1954 को दिया गया था ठीक है द फर्स्ट रेसिपियंट टू दिस अवार्ड भारत रत्न इंक्लूड सी राजगोपालाचारी पॉलिटिशियन थे चंद्रशेखर वेंकटरमन साइंटिस्ट नोबेल पुरस्कार भी मिला है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ठीक है तो ये आपके हैं पहले रेस्पिडेंट फिर आपके जवाहरलाल नेहरू भी थे नेम ऑफ भारत अवार्ड अकॉर्डिंग दी 2019 तो 2019 में आपका लास्ट ही दिया गया है जिसमें नानाजी देशमुख हैं जो कि एक सोशल एक्टिविटी एक्टिविस्ट अ लीडर ऑफ भारतीय जनसंघ ऑल्सो पद्म भूषण रेसिपेंट इन 1999 भूपेन हजरिका को जहां से आज ही मांगी जाइए कि नहीं भूपेन हजरिका ओके नोन एज सुधा तो आपके ये नॉर्थ ईस्ट असम के हैं और इन्हीं के ऊपर जो आपका पुल भी बनाया गया है ना बनाया गया था असम पे जो असम को अरुणाचल से आपको जोड़ता है प्रणब मुखर्जी को भी भारत सरकार ने दिया था इंडियन पॉलिटिशियन और थर्टीन प्रेसिडेंट थे भारत के 2009-12 ठीक है ये आपके थे इससे पहले वित्त मंत्री भी आपके रह चुके हैं आगे बढ़ते हैं पद्म भूषण पे तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंट्रोड्यूस्ड ऑन सेकेंड जनवरी 1954 इट इज गिवन फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस और सर्विस इन द एरिया ऑफ आर्ट साइंस पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर अब पद्म विभूषण को देख लेते हैं मिस प्रभा आट महाराष्ट्र श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत लिटरेचर एजुकेशन उत्तर प्रदेश से आते हैं जनरल विपिन रावत सिविल सर्विस उत्तराखंड पिछले साल आपका ये अवार्ड दिया गया है श्री कल्याण सिंह आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अभी राजस्थान के गवर्नर रहे थे अब ये भी मरणोपरांत इनको जो है पब्लिक अफेयर्स में आपका पद्म विभूषण आपका दिया गया है फिर थर्ड कैटेगरी जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है पद्म भूषण की है पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन एनी फील्ड फोर्थ आपका पद्मश्री तो ये तो आपने सिविलियन अवार्ड पूरे टोटल कवर कर लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गैलेंट्री अवार्ड की तरफ क्योंकि इस पर बेस्ड भी आपके में पूछ लिए जाते हैं सो आर टोटल थ्री अवार्ड्स जिसको आपके एक्सेप्शनल वेलर डिग्निटी करेज सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है जिसमें सबसे हाइस्ट आपका परम वीर चक्र है दूसरा महावीर चक्र और तीसरे पे आपका वीर चक्र आता है इसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 में आपका इंट्रोड्यूस किया हुआ था आफ्टरवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ फ्यू मोर गैलेंट्री अवार्ड ऑन फोर्थ जनवरी टू विच इंक्लूड अशोक चक्र क्लास फर्स्ट अशोक चक्र क्लास सेकंड अशोक चक्र क्लास थर्ड हाउ एवर इन जनवरी 1967 67 सेवन इन सिक्सटी इन्हीं अवार्ड का नाम बदल दिया गया कैसे बदला गया जो आपका मान लीजिए पीस टाइम है पीस टाइम जो है अगर आप कुछ ब्रेवरी वाला काम करते हो तो आपको अशोक चक्र मिलेगा दूसरे नंबर पर कीर्ति चक्र तीसरे पे आपका शौर्य चक्र ठीक है ये आपके गैलेंट्री अवार्ड के ही क्लोमेंट रहते हैं लेकिन ये आपका वॉर टाइम और पीस टाइम में जो है विभेद कर अब यहां पर आप देख ही पा रहे हो वॉर टाइम और पीस टाइम ये जो ऊपर के तीन हैं ये सभी आपके वॉर टाइम वाले हैं और नीचे के तीन आपके कौन से हैं पीस टाइम के तो वॉर टाइम को आप देख लो परमवीर चक्र दूसरा महावीर तीसरा आपका वीर चक्र फिर पीस टाइम पे देखते हैं अशोक चक्र कीर्ति चक्र शौर्य चक्र मांगी पूछ रही हैं ये अवार्ड सिविलियन को भी मिलते हैं क्या पीस टाइम वाले पीस टाइम वाले सिविलियन को नहीं मिल सिविलियन को कुछ नहीं मिलता है ना सिविलियन को कुछ नहीं दिया जाता अब अगर आप लोगों को पाना है तो आपको अधिकारी बनना पड़ेगा अब आप कहोगे सर कैसे हम ना अधिकारी या फिर आप सोल्जर जो भी बन सकते हैं अब कैसे परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र युद्ध काल में दिया जाएगा मान लीजिए भारत पाकिस्तान भारत चाइना से युद्ध होता है और आपने एक अदम्य साहस वीरता दिखाया तो आपको आपके ब्रेवरी के अकॉर्डिंग कि आपने किस सिचुएशन में कैसा काम किया है वैसा ही आपका अवार्ड दिया जाएगा पीस टाइम में अगर आपने कुछ कोई बहुत महत्वपूर्ण काम किया जैसे अभी कीर्ति चक्र की बात कर लें तो एक क्वेश्चन आपका ये भी रह सकता है कि सर क्या सिर्फ मिलिट्री पर्सनल को दिया जाएगा या फिर किसी और को तो अभी के हमारे एनएसए को आप सभी जानते होंगे जिनका नाम अजीत डोवाल है तो 1990's के दशक में नाइनटीन एटी फोर में जो भिंडर वाला आपका एक आतंकवादी था अमृतसर की जो घटना थी तो अजीत डोवाल जी जो है वहां पर इंटेलिजेंस लेने गए थे और उन्होंने एक ऑथेंटिक इंटेलिजेंस मिलिट्री को दी हुई थी ठीक है तो उनके इस अच्छे काम के लिए भारत सरकार के द्वारा पीस टाइम में उनको जो है कीर्ति चक्र दिया था और वो पहले आईपीएस ऑफिसर बने थे जिनको आपका कीर्ति चक्र दिया गया है यानी कि पुलिस हो या फिर आपका आर्मी हो तो उनको जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं वॉर टाइम में तो आपका कौन लड़ेगा आर्मी ही लड़ेगी एयरफोर्स लड़ेगी नेवी लड़ेगी तो इनको आपका वॉर टाइम का दिया जाएगा पीस टाइम में हो सकता है कि आपके रॉ रॉ वाले जो हैं आपके आईबी वाले हैं उनको दे दिया जाए तो यहां पर आपको देखना है ठीक है तो ये चीज वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र तो 9, 26 जनवरी 1950 को आपका आया था ठीक है और पहले इसके रेसिपिएंट आप याद कर लो मेजर सोमनाथ शर्मा वाज द फर्स्ट आर्मी पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र इन 1947 ही रिसीव्ड दिस अवार्ड पोस्टमॉर्टमली आफ्टर डेथ फॉर हिज एक्ट ब्रेवरी इन द कश्मीर बैटल इन द नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा महावीर चक्र इट इज द सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस वॉर टाइम गैलेंट्री अवार सी और अगर हम परमवीर चक्र की बात करें तो आपका टोटल बाईस लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है महावीर चक्र अभी रिसेंटली किसको दिया गया है कर्नल संतोष बाबू मरणोप्रांत ठीक है दो हजार बीस में जो चाइना और भारत के बीच आपकी झड़प लद्दाख में हुई थी ठीक है तो ये बात ही करने गए थे वहां पे चाइना के चाइना के जो मंसूबे थे वो काफी अच्छे नहीं थे उन्होंने जो है इनको धोखे से मारा और फिर जो हुआ पूरा विश्व जानता है तो ये बिहार रेजिमेंट से आते हैं लेट कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र जो कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट आपका वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इसलिए भारत सरकार ने देखिए भारत सरकार चाहती तो इनको वीर चक्र आपका वीर चक्र दे सकती थी चाहती तो अशोक चक्र दे सकती थी चाहती तो आपका शौर्य चक्र दे सकती थी लेकिन भारत सरकार ने ये नहीं दिया क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि दो देशों के बीच आपका युद्ध है उसमें इनकी शहादत हुई है इनकी जान गई है और इस एक्ट को युद्ध ही माना गया है इस कारण से भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पदक लेट कर्नल संतोष बाबू को दिया गया तो ये चीज आप समझते रहिए ओके okay? अब हम आते हैं वीर चक्र पे तो वीर चक्र इज द थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंटेड टू सोल्जर्स एंड आर्मी ऑफिसर फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वाइल्ड फेसिंग और फाइटिंग द इनेमी इन द लैंड सी और इन द एयर और अभी सबसे रिसेंटली वीर चक्र किसको मिला है मैं आपसे पूछना चाहूंगा और एफ कैट वाले आप सभी एक्सपेरेंट हैं तो आपको तो एकदम ऑथेंटिक करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा बताइए अभी वीर चक्र अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है क्या हुआ हिमांगी धनेन्द्र श्रीवल्ली आंसर नहीं आ रहा है आ, इतनी देर में आंसर ना दिया करो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान और उस समय ये आपके विंग कमांडर थे ठीक है 2019 सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने अपने मिराज अपने मिक 21 वन बाइसन से जो है पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन

जम्मू में दिल्ली में आपकी उनसे मुठभेड़ होती है आपने जो है वीरता दिखाई उनको परास्त किया तब आपको ये महावीर चक्र परमवीर चक्र ये सब नहीं मिलेगा आपको पीस टाइम वाले मिलेंगे और पीस टाइम का सबसे पहला अवार्ड कौन सा होता है अशोक चक्र होता है इट इज द मोस्ट प्रिस्टीजियस पीस टाइम गल एंट्री अवार्ड दैट इज अवार्डेड टू अ सोल्जर और एन ऑफिसर आर्मी हो एयरफोर्स हो नेवी हो किसी का भी ऑफिसर हो उसको आपका दिया जाता है द फर्स्ट आर्मी पर्सन टू रिसीव दिस ऑनर वस from the Indian Air Force, Flight Lieutenant Suhas Biswas in 1952. तो so, आपके भारतीय वायुसेना से ही संबंधित है देख सकते हैं आप ऐसा ही आपको मेडल दिया जाएगा फिर आपका कीर्ति चक्र इट इज द सेकेंड हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन आर्मी पर्सनल फॉर एन एक्सेप्शनल आर्मी का मतलब होता है सभी ठीक है फॉर एन एक्सेप्शनल एक्ट ऑफ ब्रेवरी करेज सेल्फ सेक्रीफाइस सिविलियंस कैन ऑल्सो बी नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड तो अभी जैसे हिमांगी कह रही थी कि सिविलियंस हो सकते हैं हाँ सिविलियन हो सकते हैं लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है और पहले आईपीएस को जरूर आप याद रखी रही है कि नॉन आर्मी ऑफिसर तो ये आपके अजीत डोवाल थे उसी तरीके से आपका ये शौर्य चक्र भी है थर्ड हाईएस्ट है प्रिस्टीजियस पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है तो कुछ अगर आप गैलेंट्री वाला काम करेंगे तभी मिलेगा ना अब आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया अभी हमने सिविलियन देखा गैलेंट्री अवार्ड देख ली अब चलिए हम देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट अवार्ड को तो इसमें आपके काफी कैटेगरीज हैं जैसे कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब आपको बताना है कि इस अवार्ड को क्या नाम दे दिया गया है हाल ही में दूसरा अर्जुन अवार्ड फिर ध्यानचंद्र अवार्ड फिर आपका द्रोणाचार्य फिर आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तो बिल्कुल करेक्ट है धनेन्द्र आपका अंसर तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल रत्न अवार्ड आपका हो गया तो देखिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इट इज हाईएस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विच इज गिवन टू दी सर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन पहले खेल रत्न अवार्ड ऑफिशियली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से आपके इंस्टीट्यूट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स अफेयर्स एंड स्पोर्ट आपका एनुअली इस अवार्ड को दिया करती है इसके पहले रेसिपियंट विश्वनाथन आनंद उन्नीस में इनको दिया गया था मोस्ट रिसेंट विनर्स देख लीजिए अवनी लेखरा नीरज चोपड़ा और ये भी अपने ध्यान में आप करते जाइए अवनी लेखरा की इमेज क्या है कैसी दिखती है दूसरा वो किस खेल से आपका संबंधित है क्योंकि इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए रवि कुमार दहिया लोवलिना मिथाली राज सुनील छेत्री मनप्रीत तो चलिए बताइए अवनी लेखरा किस स्पोर्ट से आपका रिलेटेड है और दूसरा ये बताइए कि मनप्रीत सिंह किससे आपका रिलेटेड है सभी के आंसर आपके आने चाहिए अर्जुन अवार्ड हाँ शूटिंग अवनी आ, लेखरा अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन दर ऑफ नाइनटीन सिक्सटी वन विच मेक इट ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड इन इंडिया इट इज कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर टू स्पोर्ट पर्सन हु कंसिस्टेंटली गिव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट लीस्ट इन अ रो इन नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स ठीक है दूसरे वाले का अर्जुन अवार्ड ही मैंने बताया पहले वाले का तो क्या बताया गया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बताया दूसरे नंबर पे आपका अर्जुन अवार्ड आता है ठीक है अगर आपने हाँ क्या पूछ रही मांगी बताओ प्लेयर मनप्रीत सिंह मनप्रीत सिंह हॉकी ठीक है हॉकी से रिलेटेड है ना आपके द्रोणाचार्य अवार्ड अब द्रोणाचार्य दिस अवार्ड इज नॉट फॉर द प्लेयर्स इट इज फॉर द कोचेस हु ट्रेन एंड प्रिपेयर एंड गाइड द प्लेयर टू अचीव बिग इन स्पोर्ट मान लीजिए कोई खिलाड़ी है कोई अच्छा काम करता है और उसके कोच लगातार जो है एक अच्छा रिजल्ट देते जा रहे हैं तो उन कोचेस को उन गुरु को जो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा 1985 1985 में भारत सरकार ने इसको आपका इंस्टीट्यूट किया था ठीक है द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड इन 85 फाइव इंक्लूड बालचंद्र भास्कर भागवत रेसलिंग कोच ओ एम नामबियार एथलेटिक कोच ओ एम ओम प्रकाश भरद्वाज बॉक्सिंग कोच फर्दर मोर द फर्स्ट फॉरिन कोच इन इंडिया हु रिसीव द्रोणाचार अवार्ड वॉज डिस जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं जब क्लास ओवर हो, हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी तो जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अभी भी आप हो सकता है जितना चाहें आप अपनी नोट्स को बनाते चले जाइए ठीक है आगे बढ़ते हैं ध्यानचंद अवार्ड आपका एक अवार्ड है तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है ना मान लीजिए आप रिटायर विटायर हो गए बुढ़े हो गए तब आपको ये मिलेगा इन टू अवार्ड वॉज नेम्ड आफ्टर द ध्यानचंद अ हॉकी लेजेंड ऑफ इंडिया goals in hockey career इन हॉकी करियर ऑफ साल खेला है 20 साल आम बात नहीं होती और मेजर थे यानी कि इंडियन आर्मी से ओके लिटरेरी अवार्ड्स पे आप, आप आते हैं स्पोर्ट्स के बाद आपका लिटरेरी अवार्ड यानी कि साहित्य अवार्ड आपके साहित्य में भी आपके ग्रेट वर्स के लिए आपके लिटरेचर में दिया जाता जिसमें अलग अलग आपके हैं तो सबसे आपका जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड क्या नाम है ज्ञानपीठ ना अब यहां पे तो ज्ञानपीठ लिखा है वैसे ज्ञानपीठ लिखना ऐसे चाहिए ओके इट इज मोस्ट रीनो रीओ लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया इट इज नोन एज दी ज्ञानपीठ अवार्ड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन सिक्सटी वन इट वॉज अवार ज्ञानपीठ ट्रस्ट टू इंडियन राइटर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन एनी ऑफ दैंगे संविधान के द्वारा टोटल कितनी लैंग्वेजेस रिकग्नाइज हैं और वो हमारे किस पार्ट या फिर किस शेड्यूल में आपकी आती है चलिए द फर्स्ट राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इज शंकरू फॉर हिज मलयालम पोयम ओटा खुजाही इन 1965 याद कर लीजिए शंकर कुरु मलयालम पोएम ओटा खुजाई असमीस पोएट जो कि हमारे लोटा पार्टी से के क्षेत्र से हैं नीलवणि फूकन जूनियर एंड कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर माउजो हैव इमर्ज एज द विनर ऑफ द 56 एंड 57 अवार्ड्स रेस्पेक्टिवली दे वर सेलेक्टेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिटरेचर समझते जाइए और सभी चीजों को पढ़ते जाइए ठीक है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दूसरा अवार्ड ये है इट इज द सेकेंड मोस्ट रीओन लिटरे अवार्ड इन इंडिया फॉर द इंडियन राइटर्स फॉर देर इमोटल लिटरेचर वर्क इन एनी ऑफिशियल रिकग्नाइज लैंग्वेज बाइस है आपकी लैंग्वेज ना इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन सिक्सटी एट कन्फर्ड बाई द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साहित्य अकेडमी तो सेकंड पे आपका ये आता है पहले रेसिपी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपके थे ना एजुकेशनिस्ट हुए हैं हैं आपके हुए है, और टीचर्स डे हर साल सितंबर में इन्हीं के जन्म जयंती पर भारत में मनाया जाता है अभी के हाल के आपके साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड हम देख लेते हैं ठीक है जिसमें दो भी देखेंगे दो भी देखेंगे एम लीलावती मलयालम रस्किन बॉन्ड इंग्लिश श्री शिंदु बंगाली विनोद कुमार शुक्ला हिंदी बालचंद्र नेमाडे मराठी डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल पंजाबी स्वामी राम भद्राचार्य संस्कृत इनको जानते हैं कि नहीं सभी इनके आंख नहीं है या आपके आध्यात्मिक गुरु हैं इंदिरा प्रशस्ती प्रशस्ती आपके तमिल साहित्य अकेडमी अवार्ड इट इज थर्ड मोस्ट रीओन लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर 1954 में आपका इसको स्टैब्लिश किया गया था माखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी इज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक हिम तरंगणी इन 1955 तो हर चीजों को आप ध्यान देते रहिए कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है माखनलाल चतुर्वेदी का आप साहित्य आपने बचपन में क्लास सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ कहीं पे भी तो पढ़ा होगा ना चलिए अब साहित्य अकेडमी अवार्ड का विनर लिस्ट देखते हैं अनुराधा शर्मा पुजारी असमीस बासु बंगाली, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी वाली मोहम्मद असीर कश्मीरी खालिद हुसैन पंजाबी विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र विनय हाँ बहुत हैं ठीक है अदिति जी बहुत हैं इसीलिए कहा जाता है ना पहले से पढ़ के रखो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ स्टैटिक जीके के पोर्शन में जाके जो रिकॉर्ड सेक्शन वीडियोस पीडीएफ मैंने दी हैं उनको रेगुलर आप पढ़ते जाओ क्योंकि मैंने इस पर बेस्ड वीडियो बनाई हैं और आज की क्लास में जो बता रहा हूँ उसमें मैं अपडेटेड लिस्ट और भी इंक्लूड कर दूंगा आप पहली बार आओगे फिर कहोगे इतना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा समय देना है अब चलिए साहित्य अकेडमी अवार्ड देख लेते हैं इस बार का 2022 का किसको दिया गया है अरे में अरे 2023 में अभी थोड़ी ना मिलेगा 2023 में समय है ना आपका एग्जाम तो फरवरी में है अभी 2022 वाली की लिस्ट आप देख लो 2022 की मेन है 21 वाले को छोड़ दो चलो 22 वाले को देखो यही वाली लिस्ट ये और ये इतनी है सिर्फ आपकी ना बाईस बाईस होगी क्योंकि बाईस लैंग्वेज है बाईस में आपका दिया गया है इतना ही याद करना है अरे भाई बाईस लैंग्वेज होती है ना तो बाईस राइटर के नाम और उनके जो उन्होंने लिखा हुआ है रचना उसके नाम आपको याद रखना है असमीज में आपका भूल साहित्य भूल साहित्य मनोज कुमार गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है बोडो में मोदीरा, रश्मि चौधरी को दिया गया है डोगरी लैंग्वेज छी रूपक ड्रामा है एक वीना गुप्ता को फिर आपका इंग्लिश ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड नॉवेल है अनुराधा रॉय की इसके लिए देखिए इसमें दो चीजें पूछ पूछा जा सकता है ना कि इनको आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है किस इनके कृति के लिए दूसरा पूछ ले दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि आ, कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है पता चला आपका क्वेश्चन यहीं से उठा ले तो बड़ा ही सतर्क रही है गुजराती घेर जातन ऑटोबायोग्राफर ऐसे है आपका गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा हिंदी तुमदी के शब्द तुमादी के शब्द बद्री नारायण कन्नड़ में आपका बहुतवत भारता मट्टू बुद्धा तात्विकाते तो थोड़ा ना कन्नड़ वाला नाम है एक दो बार देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कश्मीरी में जयदाग लिटरेरी क्रिटिसिज्म है फा, फारूक फयाज की कोंकणी में अमृत देवी नहीं अमृत वेल नॉवेल है एक आपका माया अनिल को मिला है मैथिली पेनड्राइव मीन पृथ्वी अजीत आजाद मलयालम आपकी एक असंता एम थॉमस मैथ्यू को अब आप कहेंगे सर आप पढ़ के आ रहे हो ठीक है तो जब पीडीएफ मैं दूंगा तो उसको अच्छे से देख लेना टोटल आपके कितने नाम है बाईस नाम अब मैं हिंदी का तो जरूर देख लीजिएगा अब इसमें क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है इंपॉर्टेंट क्या है उसको भी आप ध्यान देते रहिए पहला तो आपसे पूछेगा हिंदी दूसरा इंग्लिश तीसरा संस्कृत इन तीन को अच्छे से आप देखिएगा इंग्लिश मैं फिर से बता दूंगा आपको ऑल द नेवर लिव किसने लिखा है अनुराधा रॉय ने हिंदी वाला आपका तुमदी के शब्द. किसने लिखा है बदरी नारायण ने अब जैसा मैंने कहा कि संस्कृत देख लेते हैं दीप मणिकयम पोइट्री है जनार्दन प्रसाद पांडे इनके ये तो मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि ये तीन इंपॉर्टेंट हैं. क्योंकि इन्हीं पर बेस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बाकी आप बाईस का बाईस पढ़े रहिएगा चलिए आगे बढ़े साइंस अवार्ड की तरफ साइंस के अवार्ड भी भारत में दिए जाते हैं और पिछले बार आपका जो एफकेट का एग्जाम हुआ था एफकेट सेकेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू उसमें भी आपके साइंस अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था ना अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक क्वेश्चन तो आपका इसी हेडिंग से बन गया कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है तो आप कह दो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है शांति स्वरूप भटनागर जो है आपके भारत के एक आ, इमिनेंट साइंटिस्ट हुए थे और ये डायरेक्टरेट ऑफ सी एस आई आर के थे सी एस आई आर का फुल फॉर्म अगर पूछ ले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये अवार्ड हर साल आपका साइंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके रिसर्च के लिए दिया जाता है और किसको दिया जाएगा ऐसे हमारे व्यक्ति रिसर्चर जो कि 45 इयर्स तक के हैं उन्हीं को दिया जाएगा द अवार्ड वॉज इंस्टिट्यूटेड इन ईयर ऑफ नाइन करीम मनी कम श्रीनिवास कृष्ण ना जो कि आपके इन्होंने रमन स्कैटरिंग में स्पेशलाइजेशन इस पेसल, इस ली थी और इसको जो आपका शोध किया हुआ था याद कर लीजिए आप सिनेमा पे आते हैं आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड आप सभी जानते हो दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया फॉर सिनेमा दादा साहब फाल्के आर गिवन एवरी ईयर अवार्ड आर गिवन एवरी ईयर एट द नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी तो चलिए इस बार की लिस्ट देखते हैं 2022 हजार की विनर्स की विनर्स देखिए ओके सर विनर्स को ही आपके याद रखते हैं बेस्ट फीचर फिल्म सोरारी पोटरू किसने किसने देखी है बेस्ट डायरेक्टर आय कोशियम के साची को दिया गया है बेस्ट पॉपुलर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तानाजी द अनसंग वॉरियर वैसे तो ये 2019 में पिक्चर आई थी 2019 में आई कि 2020 में आई थी मैं गया था देखने उसको और 2022 में इसको दिया गया फिर कोरोना वोरोना आ गया आप सभी जानते हो रश्मिकांत अभी मैं बताता हूँ ठीक है कौन सा क्वेश्चन आया था अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा तो हर चीजें बता दूंगा और जैसे ही हम एक चीज और बता दूं आपको अभी तो आपके ये वाली जो आपकी क्लास सेशन चल रहा है जब से हमने स्टार्ट किया है तो आपको हम कंटेंट भी पढ़ा रहे हैं कंटेंट प्लस आपको एमसीक्यू भी पढ़ा रहे हैं इससे प्रीवियस जो हम सेशन किए थे जो अभी तो काफी नए बच्चे जुड़ गए हैं वो नहीं जानते हैं तो उसमें आपका सिर्फ हम एमसीक्यू करा रहे थे ठीक है पुराने वाले बच्चे जानते होंगे अब जैसे कंटेंट प्लस एमसीक्यू की क्लास आपकी एंड होगी उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलेंगे प्रीवियस ईयर के बाद जो आपका मिसलेनियस है उस पर हम चलेंगे और उसके बाद आपकी महा मैराथन क्लास आपकी कंडक्ट करेंगे ठीक है कि हम आपको पूरा ओवरऑल स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दें जितना हमसे हो सक रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं करते जाएंगे बस आप जो है घर बैठे अच्छे से पकवान खाइए और खूब मन लगा के पढ़िए बेस्ट एक्टर सूर्या इन्हीं को दिया गया है सुरारी पोत्रू बेस्ट एक्टर अजय देवगन दोनों को मिला था इनको तानाजी के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस सुरारी पोट्रो के लिए अर्पणा को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर देखिए सपोर्टिंग एक्टर ये सब नहीं पूछा जाएगा बाकी आप ये यही तीन देखिए ऊपर का ओके चलिए समझ में आ गया और यहां पे सिंगर विंगर की लिस्ट है आपकी ना उतना तो आपका नहीं आएगा अब आगे बढ़ते हैं द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्स एक्ट्रेस देविका रानी इन द ईयर ऑफ 1969 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और काफी बार कई एग्जाम में पूछा गया है देविका रानी ना दादा साहब फाल्के अवार्ड की पहली रेसिपियन किसको कौन थी ये देविका रानी कौन थी ये देख लीजिए फोटो में पहले की हीरोइन देखी इतनी अच्छी थी ना सुंदर रिसेंट विनर इज रजनीकांत इन द ऑफ़ 2021 चलिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एक और अवार्ड है आपका द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वर्स इंसिटुएटेड इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाई अ ट्रस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ना इन हर नेम इन एटी जो कि आपका पच्चीस लाख रुपए का एक धनराशि और एक साइटेशन इसमें कवर किया जाता है द अवार्ड इज गिवेन टू इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल हु वर्क टूवर्ड द इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट इंश्योरिंग द साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज टू फर्दर द स्कोप ऑफ फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमनिटी ठीक है इसके लिए आपका दिया जाता है रिसेंटली प्रथम देख लीजिए नाम याद करिए प्रथम

ना सिर्फ आप मुझको सुनते जाइए क्लास के बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिए अपनी नोट्स बना लीजिए ना दो चार बार पढ़िए घर में जो आपके छोटे बड़े भाई बहन है मम्मी पापा है उनको दे दीजिए कि देखिए मम्मी ये पीडीएफ ले लीजिए आप मुझसे सवाल करना शुरू करिए आप प्रभु चंद्र मिश्र हैज बिन अवार्डेड अटल सम्मान अवार्ड फॉर इज एक्सलेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर ऑफ द एजुकेशन गिव सिग्निफिक रिक्नेशन टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी मद्रास को आपका ये अवार्ड मिला है ऑस्कर ऑफ एजुकेशन का नोटेड क्यूबन सोशल वर्कर एंड ह्यूमन राइट एडवोकेट एलिडा ग्यूवारा हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड इंडियन साइक्लिस्ट स्वास्थ स्वास्ती सिंह हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रिस्टीजियर थर्टी एकलव्य पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है अभी मैं इनकी फोटो भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए कूरा फोकीर सुने उरा द गोल्डन विंग्स ऑफ द वाटरकॉक्स ऑफ बांग्लादेश एंड अपॉन एंट्री ऑफ स्पेन won the best film award at the 28th kolkata international film festival UIDAI यानी कि आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज won the prestigious ग्र एक्म्पलरी परफॉर्मेंस 2022 अ टॉप नेशनल अवार्ड ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड ठीक है तो इनको आपका दिया गया है अब आगे बढ़ते हैं इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड विथ यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर एक्लरी सर्विस तो करंट अफेयर क्लास मैंने पढ़ाया भी था आज करंट अफेयर की क्लास तो एकदम महानी हो गई थी क्यों नंदनी धनेन्द्र ठीक है वो किसी और ही में आपकी जाके स्ट्रीम होने लगी थी तो उसको बंद करना पड़ा लेकिन चिंता ना करिए आज आपका सतराह है और कल की अट्ठारह है तो दोनों ही क्लास के कंटेंट को मिक्स करके मैं कल को पढ़ा दूंगा ओके चलिए तो अभी हाल ही में आपका साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन में जो है हमारे एक हजार इंडियन पीस कीपर जो आपके तैनात है उनको जो है यूनाइटेड नेशन का प्रिस्टीजियस आपका अवार्ड एग्जाम्पल अवार्ड दिया गया है हाँ ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कभी कभी आपका टेक्निकल ग्लिच आ जाता है बताइए जहीर सर पूछ रहा था कि जहीर सर कैसे उसको सही करें उसकी रिकॉर्डिंग लगी हम अब इसको तो हटाना ही पड़े आदार पुना वाला गेट्स पटांगारो कदम अवार्ड फॉर वैक्सीन वर्क तो देखिए इनको तो मिला ही हुआ है देवेंद्र फडनवीस द दे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनर्स आधार वाला आधार वाला इनको कहते हैं ना आपका तो इनको पैटांगारो कदम अवार्ड आपका दिया गया है वैक्सीन वर्क के लिए जिन जो, जो कि आपके एक सीरम इंस्टीट्यूट के आपके सीई है ना डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 ट्वेंटी ई नाम विंस प्लेटिनम अवार्ड ई नाम का फुल फॉर्म आप सभी को बताना मैं नहीं बताऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ई नाम अवार्ड जो है आपके अम e को प्लेटिनम अवार्ड आपका दिया गया है ठीक है हैज द प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल इंपॉवरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड नई दिल्ली में तो देखिए ई नाम का तो आपने कोई फुल फॉर्म बताया ही नहीं ई नाम का आपका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अरे अदिति जी एडवर्टाइजिंग मार्केट नहीं होगा ना एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा है ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2015 में ई नाम आपका एक कार्ड निका, कार्ड नहीं निकाला था एक आपका वो है जिससे कि पूरे भारत के मार्केट को हम जोड़ सकते हैं ई नाम है तो इसको जो आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट आपका है केरल यूनिवर्सिटी वोन ओवरऑल चैंपियनशिप एट यूथ फेस्टिवल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला बैक द ओवरऑल चैंपियनशिप एट पद्म तारंग दर्टी सिक्स इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल एट दी श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय इन दी तिरुपति जिसमें 700 हंड्रेड पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था और केरल यूनिवर्सिटी को यह प्राइज मिला है अगला है चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया धनंजय चंद्रचूड कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप तो यह अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन के द्वारा दिया गया है और ये इसके रेसिपियंट हैं 2022 के इसी साल 11 जनवरी को इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है और ये हार्वर्ड के ही पढ़े हुए भी हैं ठीक है, है? चलिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन अचीव फाइव स्टार रेटिंग तो जहां से हमारे भारत के प्रधानमंत्री सांसद हैं ना तो इस स्टेशन को आपका फाइव स्टार रेटिंग आपका मिली हुई है दिस सर्टिफिकेशन इज ग्रांटेड बाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ याद करे रहिए आप सभी ना जैसे छपा रहेगा आपके दिमाग में जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत आप जो है टिक मार दोगे वहां पे टिक नहीं मतलब आप, ना, आपका तो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, ओदा अवार्ड 2022 फॉर राइटर अम्बी कासुथान मंगल राइटर अम्बी कुलेक्टेड फॉर ओदा खुजल अवार्ड दो फॉर इस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी टाइटल प्रणव वाई के लिए इनको आपका दिया गया है इसमें आपका तीस हजार रुपए साइटेशन और एक आपका प्लैक दिया जाता है नेक्स्ट आपका है उड़ीसा विंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 23 फॉर इट्स जग मिशन उड़ीसा आप सभी जान रहे हो एक अच्छा आपका स्टेट है और नवीन पटनायक ही ना उसके आपके चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा वोन यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जग मिशन फाइव टेक्नोलॉजी फाइव टी इनिटिव स्टेट दिकोगनाइज एंडलाइट इनोवेटिव प्रभुचंद्रिश्रा ऑनर्ड विथ अटल सम्मान अवार्ड तो भारत के प्रधान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आपका अवार्ड रखा गया है जिस पर जो है नाइन्थ अटल सम्मान जो है इनको विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रभुचंद्र मिश्रा को आपका दिया गया है और ये आपके साइंस और रिसर्च से आपका रिलेटेड अवार्ड रहा करता है अगला है आपका इंडियन साइकिलिस्ट स्वास्थ्य एकलव्य पुरस्कार तो देख लीजिए साइक्लिस्ट है क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है एकलव्य पुरस्कार किसको अभी रिसेंट मिला है तो इनको मिला है स्वास्थ्य जी को या पूछ ले कि स्वास्थ्य सिंह किस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप बता दीजिए कि अ साइकिलिस्ट ओके यूआईडीआई एच क्यू बिल्डिंग विंस टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड तो इनको आपका टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड आपका मिला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर अवार्डेड फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन अब देखिए आयुष्मान भारत भारत सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है जिसमें पचास करोड़ लोगों को आपका शामिल किया गया है और जम्मू कश्मीर जो है पहले इसमें आ गया कि आईडी जनरेट कर रहा है क्योंकि आप सभी जानते हो ना आयुष्मान भारत में एक कार्ड आयुष्मान कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के तहत जो है प्रति परिवार को पांच लाख रुपए का वो जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस उसका होता है हिमांकी फाइव टी का मतलब होता है फाइव आपके टाइप्स फाइव एरियाज में जैसे उनका ड्वेलिंग में दिया गया स्लम्स में दिया गया है आपका इनोवेटिव बिल्डिंग प्रोग्राम में दिया गया तो वैसा चलिए अब यहाँ तक आपका हो गया ठीक है रिव्यू क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं कि नहीं सब इफ यू आर रेडी देन कमेंट यस वी आर रेडी उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूं चलिए आप सभी रेडी हैं काफी अच्छी बात है ना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़ते जाएं आप सभी अदिति अनुभूति छाया धनेन्द्र गंगाजल नंदिनी हिमांगी रश्मिकांत श्रीवल्ली श्रीवल्ली का नाम बड़ा अच्छा है श्रीवल्ली ठीक है मैं तो सोचा सिर्फ फिल्मों में नाम होता है श्रीवल्ली कोई पुष्पा उष्पा तो नहीं भाई यहाँ पे चलिए सब सही आंसर देंगे और कोई झुकेगा नहीं ठीक है तो पहला है आपका क्वेश्चन विच स्टेट पुलिसिस निजत कैंपेन हैज बीन गिवन द आई ए सी पी ट्वेंटी ट्वेंटी अवार्ड छत्तीसगढ़ हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ राजन गांव

ऑफ ड्रग अब मान लीजिए आप सभी कहाँ गए इंटरव्यू में गए ना तो आपका टॉपिक क्या आ गया ड्रग आ गया अब ड्रग तो दो तरीके होता है एक तो ड्रग जो हम अच्छा खाते हैं अच्छा वाला ड्रग एक होता है ड्रग ना इलीगल ड्रग तो उसमें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी होना चाहिए कि जो आपके अफेक्टेड पर्सन है उनको फिर से मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम में हम कैसे ला सके अगला क्वेश्चन ंग दिन अवारल अवारयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू पंकज चौधरी स्वास्थ्य सिंह महिमा शर्मा ज्योति रंधावा बताइए सभी जितने जुड़े हुए हैं उन सभी को आंसर देते जाना है जो यूट्यूब वाले हैं जैसे कि ऋतिक विशाल जसप्रीत आप सभी क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाइए बाकी जो हमारे कोर्स वाले हैं वो सभी अच्छे से पढ़ें एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्वास्थ्य सिंह ना साइक्लिस्ट सिंह हैज अवार्डेड एकलव्य अवार्ड द साइटेशन ट्रॉफी एंड फाइव लाख रुपीज कैश वर प्रेजेंटेड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ही हैज बीन सॉरी शी है ये लड़का एक लड़की है जो भी है Awarded for his performance at both national and international levels from April 1st, 2020 to March 2022. Which ministry has won the Platinum Icon Award of the Digital India Awards 2022? Ministry of Finance, Home Affairs, Industry, Housing and Urban. बताइए बताइए फटाफट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था चलिए और हजार बार आप सभी को मैंने बताया है बच्चों जब भी अपना आंसर दो मान लो आपने कहा ए अब एक कहे कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हो खुद पर कभी डाउट ना करना और ये लीडर की क्वालिटी कभी भी नहीं होती है ना आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो ना अपने ही आप ऑर्डर पर अपने ही अपने ओपिनियन पर आप शक करने लगोगे तो ऐसा नहीं और ये भी ना कहिए सर शायद डी होगा क्या तो इसमें भी वो पता चलता है कि आप जो है कंफर्म नहीं है नहीं आता तो नहीं आता स्किप एंड द राइट आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द स्मार्ट सिटीज मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैजन द प्लेटिनम आइकन अवार्ड फॉर द डिजिटल इंडिया अवार्ड दो हजार बाईस फॉर डेटा स्मार्ट सिटीज इम सिटीज थ्रू डेटा द स्मार्ट सिटी मिशन हैज बिन गिवन द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ डेटा शेयरिंग एंड इट यूज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो देखिए ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग कौन सा मंत्रालय आवासी मंत्रालय कहते हैं ना शहरी आवास मंत्रालय हु पीटा इंडिया 2022 ट्वेंटी टू पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड निधि श्रीवास्तव सोनाक्षी सिन्हा पंकज गिल या फिर स्नेहा वर्मा किसको दिया गया खामोश ठीक है चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है खामोश करके बता दीजिए आप सब एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ना सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हैज बीन गिवन द पीटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर फैशन इंडस्ट्री से आपका रिलेटेड रहता है ना कि हम अपने एनिमल्स को सेव करें और उनकी स्किन्स का इस्तेमाल ना करें अवेयरनेस फैलाएं अब कितना अवेयरनेस आ रहा है वो भगवान ही जाने ठीक है लेदर का हम सभी क्या करते हैं देखो हमने लेदर का जैकेट पहना हुआ है लेदर लेदर का हमने जूता पहना हुआ है तो वो तो आपके जानवर के उससे बनता है ना और अपने खुद के स्वाद के लिए इंसान क्या करता है उनकी बलि दे देता है खाता है और जब आप कहो कि अरे देखो किसी जीव की हत्या करके नहीं खाना चाहिए तब उसको सुनेगा नहीं वो क्यों क्योंकि अभी वो लोभ में है क्योंकि उसको अच्छा एक अच्छा स्वाद मिल रहा है तो इसलिए मदिरा वाली चीज है उससे हमको दूर रहना चाहिए आप में से भी बहुत लोग खाते होंगे उसको भी आप कहेंगे हाँ चलो सर बोल रहे हैं ना पर हमें तो मजा आता है खाने में जीव हत्या करके जो है कुछ नहीं आपको लेना चाहिए फॉलो है फर्स्ट प्राइज इन आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन हरियाणा गुजरात उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत आई डी जनरेशन में पहला प्राइज इनमें से किस स्टेट या फिर किस यूटी को दिया गया है लगातार आप सभी आंसर बताते जाओ And the right answer of this question is option B. That is the Jammu and Kashmir. Jammu Kashmir has bagged the first prize in the category of Ayushman Bharat Health Account ID Generation and second prize in the category of daily consultation during the celebration of Universal Health Coverage Day. The Universal Health Coverage Day aims to ensure daily uh, quality healthcare closer to people without any financial hardship. एक चीज आप ये सर्च कर लेना कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है हैज बीन ऑनर्ड विथ ट्वेंटी फिफ्थ श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एक्सलेंस अवार्ड नरेंद्र मोदी वेंकैया नायडू मेनका गांधी धर्मेंद्र प्रधान चलिए तो आपने ऑप्शन डी दिया है लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नहीं ऑप्शन बी राइट आंसर है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज बीन श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एक्सलेंस अवार्ड इन अदर कैटेगरीज गवर्नर ऑफ केरल आर्य मोहम्मद खान इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा कार्डियोलॉजिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर मारथंदा वर्मा संकरण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय सूद एंड री ओं हरी कथा आर्टिस्ट विशाखा हरी हैचर अवार्ड फॉर द ईयर दो हजार इक्कीस नैना धाकड़ शुभम धनंजय भवानी सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड किस लिए दिया जाता है पता है ना एडवेंचर के लिए जैसे आपने कोई एडवेंचर किया हो ना माउंटेन एवरेस्ट पे आपने सौ बार चढ़ा हो सौ बार उतरा हो तो उसके लिए दिया जाता है चलिए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज भवानी सिंह को दिया गया हु द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो हजार फिक्की और फिक्की का फुल फॉर्म भी बताइए आप सभी मुझको वट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फिक्की लगातार आंसर आने चाहिए आप सभी के चलिए तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है और अदिति जी ने बिल्कुल करेक्ट इसका फुल फॉर्म बताया है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री याद कर लीजिए हैज ऑनर्ड राजेंद्र सिंह पवार विद दाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो हजार बाईस एट दिक्क हायर एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड से चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ द एन आई आई टी एंड आई आई टी दो हजार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुष्पा बताओ श्रीवली बताई गई अब लाल सिंह चड्ढा चड्ढा जी की तो चड्ढा उतर गया था इस बार दो हजार बाईस में कांतारा ट्रिपल आर अरे फाउंडर ऑफ आईआईटी नहीं है चेयरमैन ऑफ एन आईआईटी नीट नीट नहीं कहेंगे बताओ बताओ जल्दी से पक्का चलिए जैसा आपने कहा आर आर अच्छा आर आर का फुल फॉर्म आप जानते हो आर 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 और किसको किसको अच्छी लगी है सही से रिव्यू देगा वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजा मौली ट्रिपल आर हैज हैजोन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फिफ्टी एनिवर्सरी लॉस एंजलिस द फिल्म हैज बीन अप्लाइड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑस्कर अवार्ड दो हजार तेईस और 2030 के ऑस्कर में तो आपकी कश्मीर फाइल्स पहुंच गई है ना और मुझे तो बड़ा हर्ष है आ, राइस राइज राइज रिवोल्ट एक शब्द भूल रहे हो ट्रिपल आर फिल्म कंप्लीटेड विद फिल्म्स लाइक डाउनटाउन एप बी अ न्यू एरा ना ये सबके साथ पहुंची है अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है चलिए बड़ा कर देता हूं आप भी देख लीजिए इसका फुल फॉर्म है आपका राइस रोर रिवोल्ट ठीक है ये ऐसी फिल्म ना कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसको मैं देखता हूँ और देख के पंद्रह बीस मिनट के बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ फिर कभी नहीं देखता हूँ तो इसी उसी कैटेगरी में वाली फिल्म थी ना? क्या दिखा रहा है ऐसा मतलब बाहुबली से भी पावर इसकी है ना इतने लोगों को मार दे रहा है और सिर्फ पैसा वैसा ज्यादा लगा है राजा मौली का नाम है कभी कभी ये चीज होती है अगर आप साइकोलॉजी समझो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया ठीक है किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया है और उसने फिर दूसरा काम किया तो सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना कि देखो भैया बाहुबली बनाया था अच्छा बनाया होगा और उसका हाइप क्रिएट कर दिया जाता है जैसे हाइप किसका क्रिएट किया गया था ब्रह्मास् का हाइट क्रिएट कर दिया गया था लेकिन फुस्त थी पिक्चर अब आप जैसे जो पब्लिक रहती है उस वो क्या करती है कि यार ना जैसे हम हॉल से निकले आजकल जो बच्चे हैं ज्यादातर वो निब्बा निब्बी वाले ज्यादा हैं तो वो कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी सबसे अच्छी ना लेकिन कंटेंट दो कौड़ी का उसमें जो है एक हीरो पांच हजार लोगों को मार दे रहा है पांच हजार लोग उसको मार रहे हैं उसको कुछ नहीं हो रहा है ना और मतलब कुछ भी बन गया पैसा पा गए तो वो हो जा तो ये सब चीज है ना इसलिए थोड़ा ध्यान से जब आप स्टेबल रहेंगे ना और यहां से आप जब मजबूत रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं तो उसमें भी वही है ना ये मतलब होता है ना कभी कभी बह जाती है सलमान खान की पिक्चर आती है उसमें क्या रहता है एक्टिंग वैक्टिंग तो रहती नहीं है लेकिन बस चल जाती है तो वही है आपका चलिए हम्म Who has won the National Intellectual Property Award for 21 and 22? Madras, Roorkee, Guwahati, IIT Bangalore. बच्चों कभी भी ना जैसे मान लीजिए सब जा रहे हैं कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है जो आप फील करिए वही बोला करिए चाहे सभी लोग आपका वो करने लगे अरे तुमको कुछ नहीं पता है वो लोग वही कहेंगे क्योंकि उनको खुद नहीं पता है चीजें क्या है सो ऑप्शन ए इज इज करेक्ट दैट द मद्रास मद्रास हैज नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड आई आई टी मद्रास द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर द ईयर दो हजार इक्कीस एंड दो हजार बाईस बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुमेन अवार्डी ऑफ भारत रत्न बताइए लगातार सभी के आंसर आने चाहिए तो ये है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ठीक है अच्छा दो प्रधानमंत्री हुए भारत में <laughs> जिन्होंने खुद को ही आपका भारत रत्न दे दिया है क्या जाए है? मतलब एक बार आप सोचिए अगर मैं प्रधानमंत्री मान लीजिए मैं बन जाता हूं मैं तो बन जाऊंगा ना आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो और मैं खुद से दे दू साइन कर दू मतलब क्या हास्यास्पद चीज है अरे भाई कोई दूसरा आपका कर ले तो सही है अच्छा कहते ना हेरिडेटरी वाली चीज है जीन रहता है ना एक ही इनके पिताजी ने भी खुद को दिया था तो इन्होंने कहा कि मैं पीछे क्यों रहूंगे तो ये द इंदिरा गांधी अच्छा राजीव गांधी को मिला है कि नहीं भारत रत्न मेरे ख्याल से मिला है बताइए राजीव गांधी को मिला है कि नहीं इंदिरा गांधी पीस प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड कांग्रेस वाले जू ना करें तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीस डिसमामेंट एंड डेवलपमेंट अगला आपका हु वज द फर्स्ट वन द ज्ञान पीठ अवार्ड प्रतिभा राय आशा पूर्णा देवी महाश्वेता देवी या फिर इंदिरा गोस्वामी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज द आशापूर्णा देवी याद कर लीजिए द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद कर लीजिए ज्ञानपीठ अवार्ड आपके किस फील्ड में दिया जाता है मेडिसिन सोशल वर्क लिटरेचर सिनेमा ज्ञानपीठ अवार्ड एंड द राइट आंसर इज right ज्ञानपीठ अवार्ड आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न डॉक्टर मार्क मार्टिन लूथर किंग जूनियर मदर टेरेसा खान अब्दुल गफ्फार खान जुबिन मेहता सभी के आंसर आने चाहिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं क्लास में लगातार एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है इनको जो है आपका सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है बाकी गांधी जी तो हमारे सलमान खान को फील कर रहे हैं ठीक है फॉलोइ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ भारत रत्न अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री राजीव गांधी इंदिरा गांधी वीपी सिंह देखिए अब आप बता दोगे आसानी से आंसर एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी वीपी सिंह ना नरसिम्हा राव इनको नहीं दिया गया right is, D, Singh, na? gaya, बाकी देखिए राजीव गांधी को भी दिया गया है विच अवार्ड इज गिवेन फॉर एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स बताइए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आजादी के 40 साल के बाद भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और किसने दिया था नरसिम्हा राव ने दिया था सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी दैट द अर्जुन अवार्ड अरे गांधी जी को भारत रत्न दिया गया है उनको भी दे देना चाहिए, चाहिए। आनंद ने कुछ कहना है क्या आपको इज़ द मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर अवारइंग डिस्टिंग ड्यूरिंग वॉर वॉर में कौन सा दिया जाता है द हाइएस्ट ओके तो यह आपका परमवीर चक्र है किसको किसको चाहिए अब अपना हैंड रेस करिए है आप सभी परमवीर चक्र किसको चाहिए द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज छीन के नहीं लिया जाता है न छीन के नहीं लिया जाता सरकार आपको बुला के अच्छे से देगी ठीक है भगवान करे कि आपका जीवन में ही आपके दे दे मरने ना मिले अगला आपका तो इसका आपका राइट आंसर विष्णु आतन आनंद who among the following has received the national लता मंगेशकर award चालींद्र सिंह कुमार सानू आनंद मिलन नन ऑफ द अबव सो द राइट आंसर इज दी सभी को मिला है ना ये सब प्लेबैक सिंगर नेशनल लता नेशनल लता में मंगेशकर अवार्ड आपका दिया गया है गायकी में दिया जाता है व्हिच फिल्म हैज won द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सोरारी पोट्रू मानंदू बताइए एंड द राइट आंसर इज दी ऑप्शन ए ना मैंने देखी नहीं देखूंगा क्यों दिया गया है इसको मैं भी एक क्रिटिक्स हूं Who among the following has been given the Kempegowda International Award? कैंपेगोड़ा यहाँ पे आपके कर्नाटक का है ना बेंगलोर का रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है तो इन तीनों को नारायण मूर्ति एस एम कृष्णा प्रकाश पादुकोण सबको दिया गया ठीक है तो ये थे आज की हमारी नेशनल अवार्ड से रिलेटेड क्लास जहां पर हमने अपने इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिया है ठीक है कल की हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपको दिख ही जाएगा अब मुझे खुद नहीं पता कि कल की कौन सी क्लास है वैसे कंटेंट बनाकर मैंने रेडी रखा है तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कल हम मिलेंगे ठीक है जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक